पेंडुलम, आज का पूरा सिनेरियो एक सवाल की तरफ घूमता है। सवाल क्या है कि जो कुछ भी हमारे पास मेथड्स ऑफ मेजरमेंट हैं, वो मेथड्स ऑफ मेजरमेंट या तो डायरेक्ट कैटेगरी में आते हैं या तो इनडायरेक्ट कैटेगरी में आते हैं। अब ये डायरेक्ट कैटेगरी मेजरमेंट्स क्या है? ऐसे मेजरमेंट्स की टेक्निक जिसमें स्केल ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट पे रहता है। से फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने इस कमरे की लेंथ मेजर करनी है तो हमने एक टेप लिया और टेप को फिजिकली इसके सरफेस के अलोंग टच कराया। इस पूरी प्रोसेस में लेंथ का मेजरमेंट हुआ, ये डायरेक्ट मेजरमेंट है। टेक अनदर एग्जाम्पल, सपोज हमने थोड़ा सा दूध को मेजर करना है तो हमने मेजरिंग फ्लास्क में दूध को पलटा तो दूध और मेजरिंग फ्लास्क का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, ये डायरेक्ट मेजरमेंट है। एक और टेक्निक हो सकती है जहां हम इनडायरेक्ट मेजरमेंट की बात करते हैं। अब ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या है? सपोज आपने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे सवाल किए होंगे कि इस ट्रिग्नोमेट्री के सवाल में आपने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से देखा कि किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग का एंगल ऑफ विजन कितना बनता है, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन के बेसिस पर आपने तमाम कैलकुलेशन किया, जिसमें आपने क्या किया कि स्केल को बिल्डिंग के फिजिकल टच में या ग्राउंड के फिजिकल टच में नहीं रखा, लेकिन फिर भी आपने निकाल लिया कि क्या तरीका है कि कितनी हाइट होगी, एक्यूरेटली आ जाती है। वैसे ही पिछले लेसन में हमने एक न्यूमेरिकल किया था कि हम अर्थ सरफेस पर हैं और सन का हमने एंगुलर डायमीटर मेजर किया तो हम सन का डायमीटर बता सकते हैं। इस प्रोसेस को और आगे बढ़ाते हैं। आज हम पहले इसी बेसिस को देख लेते हैं, फिर हम अपने मेन क्वेश्चन पर आएंगे, जो क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है और जवाब भी नहीं देंगे। आपसे पहले मांगेंगे कि आप जवाब दीजिए। देखिए, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट में दो टाइप के मेजरमेंट के टेक्निक्स हैं, पहला है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड, जैसा कि हमने बताया कि इनडायरेक्ट मेथड फिजिकल टच ऑफ स्केल विद ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड, लाइक व्हेन वी आर मेजरिंग द लेंथ ऑफ द रूम सो वी आर पुटिंग द टेप इन फिजिकल कॉन्टैक्ट टू द अर्थ सर्फेस और द रूम सर्फेस। बट इनडायरेक्ट मेथड वी हैव टू मेक सम कैलकुलेशन। अब ये कैलकुलेशन कैसा होगा, चलिए देखते हैं। एक हमने क्वेश्चन पहले भी किया था, द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1922nd, the distance capital D from the sun and earth is 1.496 into 10 to the power 11 meter, ये one astronomical unit है। What is the diameter of sun? इस numerical को हमने पहले ही solve कर दिया था, आप उस numerical को वहां जाकर के check कर सकते हैं। Now coming back, यहां से हमारे सवाल की शुरुआत होती है। How do we define mass? तो हमने देखा कि केमिस्ट्री में और छोटी क्लासेस में जब कभी भी हमने कभी अरेंजमेंट लेसन में देखे तो यही डिफिनेशन लिखी हुई है, या आपको कुछ और लिखी मिली हो तो बताइए। मास इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंड इन द बॉडी। जिस सिस्टम की आप स्टडी कर रहे हैं उसमें कितना मैटर कंटेंट है, इट्स मेजरमेंट इन फैक्ट इज व्हाट इट इज स्टडी ऑफ मास, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन द बॉडी। अब जैसे मान लेते हैं, चलिए हम आपको कुछ और ऑफलाइन ले जाते हैं कि थोड़ा आप ज्यादा कॉन्शियस ना रह जाएं कि हाउ कैन वी मेजर द मास ऑफ अर्थ। सो यस, वी कैन मेजर। हाउ? सो वी आर गिविंग यू अ हिंट, एंड दैट हिंट इज व्हाट, यूज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चलिए, हमें ग्रेविटेशन चैप्टर भी पढ़ना है, तो जब हम उस चैप्टर पर पहुंचेंगे तो हम बताएंगे कि मास कैसे मेजर कर सकते हैं, रेडियस कैसे मेजर कर सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे मेजर कर सकते हैं, कैपिटल जी की वैल्यू भी होती है वो कैसे मेजर कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम मेजर करेंगे। अब हम देखते हैं कि मास ऑफ सन, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ यूनिवर्स इज कैलकुलेटेड हेंसफोर्थ। अब ये डायरेक्ट मेथड से आया, इनडायरेक्ट मेथड से आया, तो मैं आपको कहता हूँ कि अब तो स्केल को तो किसी वेइंग बैलेंस पे नहीं रख सकते, और अगर वहां नहीं रख सकते तो ये तो इनडायरेक्ट मेथड का तरीका ही रहेगा, जहां कैलकुलेट किया गया है, कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए। वी डिड नॉट पुट द स्केल इन फिजिकल टच टू द अर्थ कि हम पूरे वे को अर्थ, ये अर्थ को वे कर लें, ये सब नहीं था। अब हमारा सवाल स्टार्ट होता है। सवाल ये है कि अगर आप इस पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है कि अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी इज कॉल्ड एज मास, तो चलिए हम क्या करते हैं, हम एक बीकर लेते हैं और इस बीकर में हमने थोड़ा थोड़ा सा पानी भर दिया। पहले में वो पानी थोड़ा ठंडा था, ठीक है, सपोज एक केजी पानी है, एक लीटर पानी है, सपोज एक केजी पानी है बिकॉज आई एम टॉकिंग फॉर द मास। दूसरे वाले में हमने देखा कि एक केजी पानी है, थोड़ा गर्म करते तो थोड़ा मतलब 50-60 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ाइए, और अगले वाले में क्या करिए कि आप उसको
100 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक गर्म कर दीजिए एंड स्टे फॉर सम टाइम। होगा क्या कि जब पानी ठंडा था, सपोज 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा होगा, तो 1 kg का था, रूम टेम्परेचर पे था, उस समय आपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो उसमें 1 kg पानी था। फिर आपने क्या किया कि इसको उसी बीकर को थोड़ा गर्म किया। नाउ अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन दिस बीकर विच इज मास ऑफ वाटर, ये थोड़ा कम हो गया। फिर थोड़ा सा और हीट किया, 90 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर बढ़ाए और 5 मिनट बना रहने दिया, तो अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन दिस बीकर विच इज ऑफ वाटर विच इज आर सिस्टम जिसकी स्टडी कर रहे थे, ये थोड़ा कम हो गया। अब यहाँ हमारा दिमाग हमें धोखा दे देता है, वो ये कहता है कि देखिए हमने फंडामेंटल क्वांटिटी की एक लिस्ट बनाई थी, ये देखिए 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की लिस्ट है, इसमें मास भी फंडामेंटल क्वांटिटी है और टेम्परेचर भी फंडामेंटल क्वांटिटी है और तो और टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। 1 मिनट को आप सपोज नहीं गर्म करते तो भी अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन द बॉडी रूम टेम्परेचर पे ही पानी इवेपोरेट हो जाता, तब क्या होता। मेन दिक्कत हमें कहाँ आती है, मेन दिक्कत इस जगह है कि जब हम ये कहते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन वन अनदर, इट डू नॉट डिपेंड ऑन वन अनदर, सीधा सीधा बाकी डिराइव्ड क्वांटिटीज इनसे मिलके बनी हुई है, डिराइव्ड क्वांटिटीज मिलके इनसे बनी हुई है, ये किसी पर निर्भर नहीं करती। लेकिन हमने तो यहाँ सीधा सीधा देखा कि मास भी डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर भी डिपेंड कर रहा है, टाइम भी डिपेंड कर रहा है, तो किस बात की फंडामेंटल क्वांटिटी, किस बात की फंडामेंटल क्वांटिटी। अब ये एक ऐसा सिनेरियो है जो हर मामले में हमें धोखा देने वाला है। अरे भाई आपने पानी के मास की बात की, हम चलिए हम आयरन के मास की बात करते हैं। अब अगर आयरन को देखें तो सपोज हमने आयरन को ही रखा और गर्म करना स्टार्ट किया तो आयरन भी किसी न किसी टेम्परेचर पे मेल्ट करेगा और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयरन भी इवेपोरेट करेगा। तब तो 1 kg कुछ स्टैंडर्ड रह ही नहीं गया। हाँ, जो आप हमें मार्केट में 1 kg का ये जो बटखरा देते हैं वो कांस्टेंट है क्योंकि वो तो रूम टेम्परेचर पे ही रहता है, उसको हम टेम्परेचर कहाँ उतना बढ़ाते हैं, तो चलिए ठीक है उस गिवन टेम्परेचर पे तो मास की वैल्यू कांस्टेंट चल गई, वो हम कंसीडर कर लेते हैं। बट व्हाट अबाउट दिस केस, ये फंडामेंटल क्वांटिटी में मास और टेम्परेचर का फंडामेंटल बना रहना कितना ठीक है, कितना जस्टिफाइड है, इसको चेक करने के लिए हमने जवाब नहीं दिया कि क्या ये फंडामेंटल है या नहीं। लेकिन इसको चेक करने के लिए, इसमें एक चेक एंड बैलेंस, एक राइडर पुट करने के लिए हम एक और टर्म डिफाइन करते हैं। वो टर्म पता है क्या है, 1 AMU, 1 atomic mass unit। अब 1 atomic mass unit को डिफाइन कैसे करते हैं, 1 atomic mass unit इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ मास ऑफ 1/16 एटम। अब देखें कि इसको चलो सॉल्व करके निकालते हैं, तो एवोगैड्रो नंबर इज व्हाट, 6.023 इंटू 10 to the power 23। एवोगैड्रो नंबर इज 6.023 इंटू 10 to the power 23। अब आप देखें कि 12 ग्राम कार्बन में 6.023 इंटू 10 to the power 23 एटम्स होंगे, तो 6.023 इंटू 10 to the power 23 एटम्स कंस्टिट्यूट्स 12 ग्राम। इस वजह से एक एटम ऑफ कार्बन 6C12 विल कंस्टिट्यूट मास इक्विवेलेंट टू 12 ग्राम अपॉन 6.023 इंटू 10 to the power 23। सिंपल यूनिटरी टेक्निक। अब जो ये एक मास कार्बन का, एक कार्बन का मास एटम का आया है, इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं, मास ऑफ 1/16 एटम, तो ये 1/12, और जब मास ऑफ 1/16 एटम पुट करेंगे तो ये 12 अपॉन 6.023 इंटू 10 to the power 23 हो जाएगा। 12 कैंसिल और ये वैल्यू ग्राम में आ गई। अगर ये ग्राम में आ गई तो चलिए फिर किलोग्राम में भी आ गई। अब दिक्कत फंस गई, मैंने ये झंझट नहीं ली कि ये बताइए कि ये टेम्परेचर और ये मास इसे फंडामेंटल है कि नहीं, लेकिन एक बात तो कंफर्म हो गई कि अगर हम मास को देखें 1 kg, तो AMU के टर्म में आया है, तो क्या ये गर्म करने वाली प्रोसेस पे रोक नहीं लग गई, क्योंकि जैसे ही गर्म करेंगे, यहाँ डिफिनेशन देखिए, यहाँ जैसे ही गर्म करेंगे कार्बन 6C12 एटम का एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो वो एटम नहीं रहेगा, वो तो आयन हो गया। लेकिन हमने डिफाइन ही दूसरे तरीके से किया है। कैसे डिफाइन किया है, हमने डिफाइन किया है
कि मास ऑफ 1, 6, c, 12 एटम चाहिए। अब अगर एटम की सैंक्टिटी टूट गई तो हमारा डिफिनेशन ही नहीं वैलिड है, 1 AMU को डिफाइन करना है। तो यानी आपकी दिक्कत, आपकी आदत क्या थी कि हर एक को गर्म करके उसकी एटम की सैंक्टिटी तोड़ करके कुछ मास कम कर दो, हमने आपको उससे रोक दिया। और अगर रोक दिया तो हमने केजी से एएमयू में एक प्रॉपर कोरिलेशन तो एस्टेब्लिश कर दिया। नाउ यू कैनॉट हीट अप, और हीट करने की वजह से आप सारा डिस्टर्बेंस मचा रहे थे। अब मैं उधर का जवाब नहीं देता, बट स्टे इन द गेम लॉन्ग एनफ। ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लिया, इम्पोर्टेंट पढ़ लिया और सोचा फिजिक्स आ गई सर, नहीं। हर एक चीज को मास्टरी के लिए लंबे समय तक रुकिए, चैनल पे रुकिए, सब्सक्राइब करिए, आगे बहुत कोर्स है, हम बीच बीच पे ये सारे इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब देते रहेंगे। आते हैं, अगर मान लेते हैं कि हमने एक AMU को KG से रिलेट किया तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी हमने इतने केजी होती है, इतने AMU पा गए, और मास ऑफ प्रोटॉन इतने केजी होता है, इतने AMU पा गए। एक और इंटरेस्टिंग सवाल, केवल इंटरेस्टिंग, अभी कोई क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। चलिए देखिए, मास को हम आज से ये नहीं मानेंगे कि इट इज अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी, हम अपनी फिजिक्स वाली डेफिनेशन लगाते हैं, और हमारी फिजिक्स वाली डेफिनेशन होगी इनर्शियल मास की। इनर्शियल मास के अलावा क्या कोई नॉन इनर्शियल मास भी होगा? देखेंगे, लॉज ऑफ मोशन में देखेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि इनर्शियल मास क्या होता है, जो पर्टिकुलर मास F=ma/a से मेजर हो जाए, यानी F=ma/a, m=F/a, गॉट इट। अब हम कहते हैं कि अगर a=1 m/s² हो तो mass=F, यानी किसी बॉडी में 1 m/s² का एक्सीलरेशन जनरेट करने के लिए जितने फोर्स की जरूरत है वो उसका मास है। वंस मोर, अगर a की वैल्यू 1 हो जाए तो m=F, यानी किसी बॉडी में 1 m/s² का एक्सीलरेशन जनरेट करने के लिए जितने फोर्स की जरूरत है वो उसका इनर्शियल मास है। चलिए दूसरा मामला देखते हैं, ग्रेविटेशनल मास क्या होता है। तो हमने देखा F=gm1m2/r² अर्थ सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, m मास का, मास ऑफ अर्थ सपोज me, तो इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लग रहा है, F=gmem/r², m की वैल्यू निकाली, m की वैल्यू हो गई Fr²/gme, m की वैल्यू निकाली Fr²/gme। अब आपको ये पर्टिकुलर टर्म याद है gm/re², मैं आपको याद दिलाता हूँ, 9th की बुक में भी अगर आप देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, gm/r² की वैल्यू 1/g के बराबर है, जहां 1/g क्या है, g की वैल्यू, स्मॉल g की वैल्यू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो m=F/g, अब बहुत सिंपल सा मामला है, किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ जितने फोर्स से अट्रैक्ट करती है, एफ फोर्स डिवाइडेड बाई एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ विच इज 9.8 m/s², इन दोनों का रेशियो इसका ग्रेविटेशनल मास है। समझ में आया आपको? समझ में आया। चलिए हम एक बात पूछते हैं कि अगर आप इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जिसके बारे में आपने क्लेम किया कि इसका ग्रेविटेशनल मास F/g होता है, इसको मून पे ले जाते तो सिंपल यही प्रोसेस, मून पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन मून पे एग्जिस्टिंग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये मून पर उस मास का ग्रेविटेशनल मास है, मून सरफेस पर उस गिवन मास का ग्रेविटेशनल मास है। एक और बात देखें, अगर आप इसी ऑब्जेक्ट को मार्स पे ले जाएं तो मार्स पर जितना ग्रेविटेशनल फोर्स है अपॉन मार्स पर अवेलेबल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से डिवाइड कर दीजिए। इसी तरीके से जुपिटर पर ले जाते हैं, इसी तरीके से सैटर्न पर ले जाते हैं। सो ग्रेविटेशनल मास इज द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट डिवाइडेड बाय एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट। यहां पे आपने क्या देखा था, इनर्शियल मास में m=F/a, अगर a की वैल्यू 1 हो जाए तो m=F, यानी 1 m/s² का एक्सीलरेशन जनरेट करने के लिए जितने फोर्स की जरूरत होती है वो उसका इनर्शियल मास है। एक सवाल चलते चलते छोड़ देते हैं, एक्सपेक्टिंग कि अगर कुछ इनर्शियल मास है तो क्या कुछ नॉन इनर्शियल मास भी होता है?
Again, the call point is stay in the game long enough so that you gain mastery.